या ऑल गुड, सबसे चल रहा है। अरे फाइव स्टूडेंट्स आर हियर, इट्स 9:52। वे अबाउट तेजस, वे अबाउट वैशाली, विनिशा, योगा चंदन। सर एक डाउट है, पूछिए। सर आपने क्वेश्चंस दिए थे ना, उसमें ऑब्जेक्टिव का 13th क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव का 13th क्वेश्चन, वेट। या यस सर। ऑब्जेक्टिव का 3.13 नोडल मैच की बात कर रहे हैं। हाँ सर, जो नॉडल से सॉल्व करने के लिए बोला है, V1 V2 निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट V1 एंड V2 इन द सर्किट यूजिंग नोडल एनालिसिस। ओके ठीक है, तब क्या करें बताओ। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे एक दो फोटो भेजी, एक बार चेक करो। अच्छा मैं चेक करूँ, ठीक है मैं चेक करता हूँ। इसमें आपने बी इक्वल्स टू आई यहाँ पे सॉल्व किया, करंट लगा दिया आपने, एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दिया। ठीक है, आप एक बात एक चीज सोचिए सर, क्या आंसर कुछ आपको क्या दिक्कत आ रही है? आंसर तो जो भी आएगा आ जाएगा, क्योंकि इसमें आंसर नहीं दे रखे। क्या दिक्कत आई सर जांच में? सर जो मैंने I1 लिखा है ना, हाँ V1 माइनस 10 अपॉन 10, मुझे उसमें डाउट है कि जो नीचे मैंने रेजिस्टेंस 10 लिखा है ना, वो 10 एक सेकेंड, मुझे शायद नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि 8 और 2 दोनों जो है वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, तो मैंने वो वेट वेट सोच वेट, के नीचे वापिस कर बोलिए, वापिस लिखा है। बोलिए, वापिस बोलिए। आपने क्या करा? सर जो I1 की वैल्यू लिखी है ना मैंने, V2 माइनस 10 अपॉन 10। V2 माइनस 10 अपॉन 10, ये गलत है आपका, कोई नहीं सकता, हाँ तो ये ही डाउट है, ये क्योंकि गलत है। वहां पे बिकॉज ये जो, बिकॉज आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा ना, कुछ आ रहा है नहीं आपका रेजिस्टेंस, तो V2 माइनस V10 अपॉन 10 कैसे लगा सकते हो? आपको रेजिस्टेंस तो आना चाहिए ना बीच में, सर समझ रहे हो बीच दोनों में? रजिस्टर, दो रजिस्टर लगे ना वहां पे, 2 और 8, वो दोनों सीरीज के अंदर कनेक्ट करके उस हिसाब से आप करा वी था। टू को माइनस 10 बोलो, आप P2 को माइनस 10 बोलो। V2 को माइनस 10, यस, और नीचे वाले को आप नोड बोल सकते हो, आप नीचे वाले को जीरो ले लो, तब जाके आपका क्वेश्चन आएगा। तो माइनस 10 अप माइनस 0 अपॉन, और जो रेजिस्टेंस आ गया ना वो। समझ में नहीं अब आया सर। आपने तो एक तो ये सर नोड गलत एक लगा रही है, बार, V2 आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, सबसे बड़ी गलती आपकी ये रह गई, यहाँ पर नोड आएगा ही नहीं, आपने गलत लगाया नोट सर जरा। आपने जो बी वन सर वहां जो पे नोड V2 लगाया ना, नहीं है। बी वन हाँ सर, ये गलत लगाया आपने, तो मैंने V1 पे नोड लगाया ही नहीं, V2 पे लगाया तो आप सिर्फ। V1 तो मान नहीं सकते। V1 पता कहाँ आएगा आपका? ये 4 ओम के नीचे। V1 तो मैंने वहां पे नोड लगाया नहीं, क्योंकि मैंने उसको नोड ही नहीं कंसिडर करा है, तो फिर आप उसको मैंने V1 सिर्फ कैसे बोल V2 सकते पे हो? इक्वेशन लगाई है। V1 अगर आप उसकी वोल्टेज V1 मानना चाहते हो क्वेश्चन में ना, गिवन है सर, उसको क्वेश्चन में गिवन है कि वो V1 है, वो निकालना है, बट मैंने उसे नोड नहीं कंसिडर करा है। मैंने V2 अच्छा को ठीक नोड है, तो कंसिडर पता करके है इसकी सिर्फ उसी इक्वेशन पे क्या बनेगी? इक्वेशन इसकी इक्वेशन लगाई है। बनेगी -10 -V1 अपॉन 8। इसकी इक्वेशन माइनस बनेगी माइनस टेन टेन माइनस वी वन अपॉन एट सर 10 माइनस का क्यों होगा, और एट देखो क्यों प्लस आएगा, उसके बीच में तो 2 ओम रेजिस्टेंस है। टू है हाँ क्या? ये मेरे को दिख रहा नहीं आपका, टू है, सर, टू है तो टू आएगा। V1 और 10 के बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस है, हाँ तो टू आएगा, वो एट नहीं आएगा, टू आएगा। तो इक्वेशन V1 माइनस 10 अपॉन 2 होनी चाहिए। अब वैसे करोगे तो V1 माइनस 10 अपॉन 2 हो जाएगी, अगर ऐसे लेते हो ना, तो ओके V1 ठीक माइनस 10 अपॉन 2, या फिर अगर आप उल्टे तरीके से लेना चाहते हो तो वैसे ले सकते हो, -10 -V1 अपॉन 2।
लेकिन सर करंट तो 10 से V1 की तरफ जा रही है। तो आप कहीं से भी लेना चाहते हो, देखो दोनों तरफ से ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं होता इसमें, इधर से पॉलिटी से लो या उधर से पॉलिटी से लो। तो अगर आपको बिल्कुल सिंपल चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, V1 -10/2, V1 -10/2, ये बिल्कुल सिंपल तो है। सर होल माइनस का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, V1 -10 के डायरेक्शन में नहीं जा रही है, 10 से V1 की तरफ जा बिल्कुल, रही है V1 तब तो। आपको बाहर माइनस लेना पड़ेगा। मैं तो एक सिंपल सी बता रहा हूँ, इसके अंदर अगर आपको यहाँ पे आपको करंट की डायरेक्शन लेनी है तो आपकी क्या हो रही है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब जो आप बता रहे हो ना, जो V1 जैसे मैंने बताई V1 -10/2, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन होती है ये वाली, देखो बोर्ड पे देखना एक बार, एक सेकेंड सर। हाँ ओके अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे मेरे पास हो गया 10, यहाँ पे हो गया 8, सॉरी 2। तो अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, V1 -10/2, ये होगा नहीं होगा। हाँ सर लेकिन अभी तक करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी मेरे पास, ये अपोजिट। इस वाले केस में। लेकिन आपने वहां पे अगर आपने देखते हो तो वहां पे आपने करंट की डायरेक्शन क्या लिखी है, अपोजिट वाली। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसमें नेगेटिव कर देना। ओके और सर अगर लाइक ये 2 ओम और 8 ओम जो है वो सीरीज के अंदर है तो हम उसे ऐड नहीं करेंगे। नहीं, ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज हर जगह अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होती है। जैसे ये रेजिस्टेंस हाँ है, वोल्टेज ड्रॉप दोनों में अलग अलग होगा। ये अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी। ये आपके 10 हुए, तो यहाँ पर इस केस की आपकी वोल्टेज ड्रॉप अलग होगी, इस केस की वोल्टेज ड्रॉप अलग होगी, बिकॉज सीरीज में ना, सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप आपकी क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर है? ओके सर। और किसी को डाउट है अपने कोई क्वेश्चंस में? एक रोनक तुमने बताया था मुझे डाउट, बताओ। सर न्यूमेरिकल का थर्ड क्वेश्चन, जैसे बहुत क्वेश्चन सारे नंबर बताओ, पैरेलल लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ। प्रॉब्लम नंबर 3.3 नोडल एनालिसिस का। 3.3 नोडल एनालिसिस ऑब्जेक्टिव वाला है क्या ये? नहीं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के अंदर आ जाऊं मैं। 3.3 यार, इसमें कुछ नंबर कुछ और है यार, अब 3.3 तो नहीं आ रहा, इसमें कुछ और नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर देखो एक बार, चेक करके बताओ मुझे। सर फिगर नंबर 3.52 है। 3.52 फिगर नंबर, 3.52, या इसमें क्या हुआ, सही से समझ में नोडल नहीं आ लगाना रही है सर, इसमें? नोडल कैसे लगा लूँ सर। क्यों नहीं लगा सकते हो, दो ही नोड लगेंगे बस, दो ही पॉइंट लगेंगे इसमें। क्वेश्चन ड्रॉ करके बताऊं क्या? अरे आ गया समझ में आ गया। यार दो ही नोड लगेंगे, तुम पता है कितने नोड लगाने होंगे, 1 2 3 4 5 नहीं छह, वो पता नहीं सर कितने। पैरेलल में ना तीन तीन रेसिस्टेंस पैरेलल में आ गए हाँ, तीनों ही करंट नीचे जा रही है, तो चार। तुमने इसको मर्ज कर दिया क्या? मर्ज करने की गलती कर दी शायद। मैं तो फिर गलत कर दोगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको, देखो सब स्टूडेंट के लिए एक ही बात बोल रहा हूँ मैं, मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाया, मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन पढ़ के देखो क्वेश्चन चारा क्या है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन बहुत सिंपल सी चीज चारा है। आपका जो क्वेश्चन था ना रौनक, वो बहुत सिंपल था, लेकिन कई लोगों ने सॉल्व किया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। एक करंट सोर्स यहाँ लगा रखा है, फिर एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, फिर एक करंट सोर्स नीचे की तरफ लगा दिया, फिर एक ये लगा दिया, बताओ कितने नोड होंगे इसमें? रौनक के अलावा बताओ, राघव सैनी, राघव सैनी यस सर। कितने नोट्स होंगे यहाँ पे? इतना टाइम सर शिखर, शिखर एक एक इसने और भेजा था मेरे को, शिखर बताओ उसमें कितने नोट्स होंगे? 3.33। आई डिड नॉट गेट योर नेम, ये एक मेरे को किसी ने एक और सेंड किया था, 3.33। ओके
3.13 वाला क्वेश्चन कोई बताना नहीं चाह रहा, वेरी नाइस शिखर का भी कुछ नहीं है, 3.13 न्यूमेरिकल। अच्छा 3.13 को आपने सॉल्व किया, डायरेक्ट मैथ लगेगी नहीं ये स्नेहा आपने किया वो भी ठीक है, आप मैथ से कर रहे हो तो भी आ सकता है आंसर आपका, केवी और केसीएल से कर रहे हो तो भी आ सकता है आपका, कर लो नोडल से करोगे तो भी आएगा, तो अगर नोडल से लगाते हो ना नोडल से सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना। हाँ सर जैसे मैंने सॉल्व किया उससे दोनों मैश और नॉल दोनों से सेम आंसर आ रहा है, और मैंने दो बार उसको वापस रीचेक भी करा है, मैश वाला सही है, स्नेहा का मेरा मैश का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है पर सर नोडल का समझ नहीं आ रहा, मैं नोडल का इसलिए समझ भी नहीं आ रहा, देखो मैं बताता हूँ आपको नोडल का क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि नोडल में तुम लोगों ने गलती क्या करी होगी मैं बताता हूँ आपको, गलती क्या करी होगी मैं बताता हूँ नोडल का, नोडल वाले क्वेश्चन में तुम लोगों ने मेरे को उम्मीद है यहाँ ही गलती करी होगी, यहाँ पे क्या था 115 ओम इसका रजिस्टर था और तो एक रजिस्टर यहाँ पर, तुम लोगों ने करंट निकालने की जल्दी गलती करी होगी ना, करंट तुमको क्या पता चलेगा, देखो ये वोल्टेज सोर्स है ना, तो इस वोल्टेज सोर्स में कितनी वैल्यू जाएगी बता सकते हो, जितनी यहाँ से निकलेगी उतनी तो जाएगी, और यहाँ पर इसकी कौन सी करंट जाएगी, जो यहाँ जाएगी बस वही तो जाएगी और तो कुछ नहीं जाएगी ना, तो तीन ही तो करंट हो रही है, एक ये रही एक ये रही एक ये रही, ये कितनी है 15 हो गई, ये कितनी हो गई 2 हो गई, और ये वाली आपको मान लो I3 मान लो, यहाँ पे एक ही नोड बनेगा, एक नोड ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ पे इस पर कैसे लगाना है, तो गलत आ रहा है आपका अगर ऐसे कर रहे हो तो। सर ऐसे ही क्या था बस वो 8 ओम के रेजिस्टेंस के वही प्रॉब्लम थी कि 8 ओम रेजिस्टेंस पे क्या करना है, बट अब समझ आ गया उसको नहीं कंसीडर करना है। ओके ठीक, और किसी को कोई डाउट भैया, मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट करना है पहले, वो वाला क्वेश्चन था ना, क्योंकि अबाउट 2 मंथ मैं आपको इतना समझा रहा हूँ, आप लोग अगर इसमें भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर नाम लिखता चल रहा हूँ, शिखर आपका मेरे को अभी तक आया नहीं आंसर, आपने सिर्फ यस सर बोला उसके बाद मेरे को ये नहीं बताया कि यहाँ पे कितने नोट्स हैं, नेक्स्ट वन सुहा राजोरा स्वेहा राजोरा हेलो या सुहा हाउ मेनी नोट्स आर हियर टू या आई डिड नॉट गेट योर वॉइस प्लीज कितने हेलो टू मेरे को डर लग रहा है किसको डर लग रहा है आपको हाँ रोनक ने आंसर दिया 3 तेजस सर 2 तेजस का भी 2 तो मतलब वोटिंग हो गई 1 और 1 सर्जना ने भी 2 का ऑप्शन दिया है ठीक है और देखता हूँ सुमित ने भी 2 का दिया है राहुल टाक स्नेहा का 2 राहुल टाक सुमित 2 राजू 2 वेयर इज राहुल टाक या सर जना यू आर राइट ऋषभ यादव ऋषभ यादव थोड़ा चेंज होना चाहिए हर चीज़ें और मैं एक बार और अटेंडेंस लूंगा आपकी
तो थोड़ा सरप्राइज मिलना चाहिए जो थोड़े से हैबिचुअल हो गए चीजों के लिए. या टू टू इज द राइट आंसर. आर्यन, प्रीतेश और राधिका. ऑल थ्री आर रिप्रेजेंट. आर्यन, प्रीतेश और राधिका. क्या नेक्स्ट इज राघव सैनी इज प्रेजेंट. एंड राघव सैनी प्रेजेंट है. राहुल प्रेजेंट है. राहुल मीना प्रेजेंट है. टाक शिवरायन. टाक प्रेजेंट है. शिवरायन प्रेजेंट है. बट टाक यू आर नॉट ऑनलाइन. यू आर नॉट स्पीकिंग. सो आपकी प्रेजेंट का तो कुछ कह नहीं सकता मैच. शिवरायन हो गया. रजनीश हो गया. राजू प्रेजेंट है. रवि चौधरी. रवि मीना. ऋषभ शर्मा. ऋषभ यादव तो प्रेजेंट है, लेकिन कोई मतलब नहीं है इनका. या क्विकली स्टूडेंट्स कनेक्टेड हो रहे हैं. रितिका चौरासिया. रौनक. संजय मीना. सिंह बोराना. कुमावत. आदित्य. लेकिन कोई मतलब नहीं है. शोभित कंडेलवाल. बंशीवाल. शुभम सिंह. नेहा अग्रवाल. सोनू चौधरी. प्रेजेंट सर. या मुझे पता है, नाम मैं बोल लूंगा, टेंशन मत लो तुम लोग. सुमित सैनी. सुतांशु. स्वेहा. कनिष्क. तनुज. तेजस. तेजस का भी कोई मतलब नहीं है. तुषार. अब समझ आया ना कुमार को? ऐसी गलतियां मत करो. तुम सही तरीके से पढ़ते भी चल रहे हो. ऐसी गलतियां मत करो. वैभव सारस्वत. तलरेजा. वैशाली जांगीर. विनिशा. विशाल. यशुजीत. योगेश चंद्र. ओके, सो देयर आर ओनली टू नोट्स आर हियर. हेलो सर. सर घर पे वो आधार कार्ड मांगने आ गए थे सर, जो 70 साल से ऊपर है उनका, तो आधार कार्ड निकाल के दे रहा था सर दादाजी का. इतनी देर में सर आपने अटेंडेंस ले ली. कौन बोल रहे हो? सर राहुल टाक. राहुल टाक. ये सर बाकी देख. मैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था सर. मैं जब आधार कार्ड देने गया था सर, फोन यहाँ पे रख दिया. फिर सर वो घर पे आए हुए थे, सर्वे कर रहे हैं. वो जयपुर भेजेंगे सरों का आधार कार्ड जो 70 साल से ऊपर है. 60 साल से ऊपर. यस सर. मैं प्रेजेंट तो हो. तुम प्रेजेंट तो हो, मुझे पता है. तुम प्रेजेंट तो हो, लेकिन तुमने जवाब नहीं दे रहे. तो सर जब मैं देने गया था ना सर, इसलिए. चलो कोई बात नहीं, तुम तो मुझे इसका आंसर बताओ. सर किसका? सर अब सर क्वेश्चन नहीं पूछा सर, वो पहले गया हुआ था. मैं क्वेश्चन यहाँ बताता हूँ ना, मैं तुम्हारे को वापस क्वेश्चन बताता हूँ. ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे नोट्स बताओ कितने नोट्स है. सर दो नोट्स है. अच्छा, कौन कहाँ कहाँ लगाऊ दो नोट? सर एक तो सर इन दो दो दे तीन रजिस्टर इन दोनों के यहाँ पे बीच में सर. यहाँ पे? सर यहाँ पे नहीं हो सर. तो लेफ्ट लू या उधर लू? सर इधर वाली साइड सर. मतलब यहाँ पर? ये यहाँ पर लगाओ एक नोट. ठीक है, और दूसरा कहाँ लगाऊ? Where should I shift the second one? सर ये एक सर के जो अगले ये बीच वाले असिस्टेंट है उसके आगे वाले पर सर. यहाँ पर? ये यस सर. तुम्हारा जवाब गलत है.
तुम्हारा जवाब गलत है फिर तो। ये सर दोनों पॉइंट सेम हो गए सर, सेम हो गए ना। अच्छा फिर दूसरा का लगाऊं तो? चलो यहाँ भी नहीं लगा रहा तो दूसरा का लगाऊं। सर एक नीचे वाली साइड नहीं आ जाएगा सर? दिस इज रेफरेंस नोड, एक नोड हो जाएगा कहीं भी लगा दो, यहाँ पर हो गया, दे हो गया आपका नॉन रेफरेंस नोड, ये सब इससे कनेक्टेड हो जाते हैं। यस सर सेम हो जाएगा। जिसने अभी तक थोड़ा से पढ़ाई नहीं कर रहे हो कर लो यार, बहुत अब आगे निकल गए हम। एक यूनिट अगले अगले टर्न या उससे अगले टर्न पे खत्म हो जाएगी, एक यूनिट पूरी खत्म, फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी क्योंकि आज मैं नॉर्टन कंप्लीट कर जाऊंगा। बहुत सिंपल से नॉर्टन थ्योरम है, क्योंकि जिसने थेविनाइन समझ रखी है तो वो नॉर्टन समझ लेगा। ओके आई एम गोना स्टार्ट इट। किसी को और कुछ डाउट अभी शुरू करूं? यार रौनक तुम्हारा जो आंसर जो गलत हुआ था ना वो थोड़ा ध्यान रखो उसको, क्योंकि तुम अगर ऐसी गलती करोगे ना तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तुमको सब कुछ आते हुए भी गलत कर दोगे। ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछ लिया करो, कोई जरूरी नहीं है कि क्लास का टाइम लो तुम लोग, तो मुझे नाइट में भी पूछ सकते हो, मैं तुमको नाइट में भी बता सकता हूँ, बट 10 बजे से पहले पहले कर लेना। ऐसा नहीं कि मेरे को रात को 12 बजे तुमको लोग मैसेज कर रहे हो सर बता दोगे, जरूरी नहीं था कि तुम लोग एक दिन का वेट करोगे। ऐसे छोटे छोटे डाउट होते हैं ना, जैसे सर जी ने आपने पूछा ये वाला डाउट मुझसे, तो ये वाले डाउट तुम मुझसे पूछ सकते हो, ये कभी भी पूछ सकते हो, तो इसके लिए कोई वो नहीं है कि आप क्लास का ही वेट करो। ओके क्लास नाउ फोकस हियर, नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम विच इज जस्ट सिमिलर टू योर थेविनाइन थ्योरम। जिसने थेविनाइन थ्योरम पढ़ ली उसको ये समझ में आएगा। थेविनाइन थ्योरम में हम क्या करते थे सर? एक तो हम करते थे वोल्टेज सोर्स और एक लगा देते हम करंट सोर्स, और यहां पे लगा देते हम लोड रेजिस्टेंस आरएल, ये होता था आरटीएच और ये होता था आपका बीटीएच, राइट? तो देखो नॉर्टन थ्योरम भी है ना सेम टू सेम ऐसी होती है, बट यहां पर क्या होता है सर्किट चेंज होता है। सर्किट क्या होता है, यहां वोल्टेज और करंट है, तो यहां पे क्या बन जाता है अपने पास, एक तो हो गया आपके पास करंट सोर्स और रेजिस्टेंस आपका सीरीज में आता है, और आपके पास वही आपके पास एक लोड हो जाता है। सिंपल वन, ये लोड आपके पास हो गया तो आपके पास क्या होता था यहाँ पे, ये हो गया आपके पास RN, ये होता है आपके पास IN, ये तो RN हो गया, ये IN हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, RN और RTH तो इक्वल होंगे, समझ रहे हो नहीं? RN और RTH तो इक्वल होंगे, कोई चेंजेस होता नहीं है। और अगर मैं IN की बात करता हूं तो IN क्या होती है, मेरी शॉर्ट सर्किट करंट होती है। IN जो होती है वो मेरी क्या होती है, शॉर्ट सर्किट करंट होती है। IN करंट मेरी शॉर्ट सर्किट करंट होती है, ध्यान रखना इस चीज को थोड़ा सा, वो अभी बता दूंगा मैं कैसे। जैसे यहाँ पे लोड हो गया ना मेरे पास, ये लोड, तो वो जो शॉर्ट सर्किट करंट होती है ना वो इसमें फ्लो हो रही है, मान लिया मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, तो ये ISC होती है। अभी समझाता हुआ चलूंगा, अभी जितना समझा रहा हूँ सिर्फ ये बेसिक चीजें हैं, उनको समझना, नोट डाउन करते हुए चलना इन चीजों को, क्योंकि हमारी मेन चीजें समझ में आएगी वो न्यूमेरिकल्स में समझ में आएगी। सो यहाँ पर से अगर मैं निकालना चाहता हूँ इस नॉर्टन थ्योरम का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो तो ये होता है, जिसमें IN और रेजिस्टेंस आपके ये पैरेलल हो गया और आपके पास ये लोड के लिए हो गया, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट फ्रॉम फ्लो कर सकता है। और हमारे पास क्या हो गया, अगर मैं कहूँ RTH निकालना है तो RTH में कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बात करता हूँ VOC और ISC की, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। VOC क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज, और ISC क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट। ये कुछ फॉर्मूलास है वो हमको याद रखने, क्योंकि यहाँ से अगर मैं RTH निकालता था, RTH की अगर मैं वैल्यू निकालता तो क्या निकाल सकता, V by I, तो ये वहीं से निकाला हुआ है। चेंजेस कुछ नहीं, सिर्फ हमारे को इतनी सी चीजें देखनी है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेटमेंट में बोल देता हूँ, जिससे थोड़ा सा एक बार आपको कानों में लग जाए कि अच्छा नॉर्टन में क्या फर्क है। Norton theorem states that a linear two-terminal circuit, मतलब कैसा होगा सर linear two-terminal circuit? ऐसा होगा linear two-terminal circuit हो गया। यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट हो गए A और B. It can be converted into a equivalent circuit. इसमें convert कर सकते हैं, इसमें where IN is parallel with RN. IN, Norton current is parallel to the RN, where IN is the short circuit current.
थ्रू द टर्मिनल आरएन इज द इनपुट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं. मैं मोइन मुद्दे पे आता हूँ. अब हमारे को क्या करना है, ऐसे सर्किट बनाना है. ये इसको अंडरलाइन कर लेना बस तुम तो, कि हमको क्या करना है. नॉर्टन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम को स्टेटमेंट कुछ नहीं मांगते आपसे, ये निकालना है मुझे तो कुल मिला के, बस ये करना है. ठीक है, आगे चलते हैं हम तो. अब फाइनल इसी चीज़ों पर हम देखेंगे, फोकस करेंगे. बस एक चीज़ समझ में आ गई है, एक चीज़ समझ में ये आई है कि इसमें जो आर टी एच है दैट इज इक्वल टू आर एन, इस वाली चीज़ को थोड़ा माइंड में लेके चलना. आर टी एच इज इक्वल टू आर एन, क्योंकि यही हमें हेल्प करेगा. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट तुम्हारे को एक न्यूमेरिकल लेके चल रहा हूँ. मैं डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, सीधे सिंपल सी चीज़. सारा कॉन्सेप्ट सब कुछ सिमिलर टू थेविनियन थ्योरम. थेविनियन थ्योरम का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे को याद कर लिए होंगे तुमने तो बहुत अच्छी बात है. इनमें से प्रेजेंट हुए क्या राघव सैनी? तुमने तो बात करी थी लेकिन तुमने आंसर नहीं बताया. शिखर अभी तक आया नहीं, ऋषभ यादव आया नहीं. सर इन्होंने चैट में कर दिया. चैट में आंसर बताया था? यस सर. चैट में चैट ऋषभ यादव टू शोभित खंडेलवाल का आंसर आया. उसका आया शिवम का, शिखर का आ गया. ओके ठीक. एक क्वेश्चन है, फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट. अब सुनो मेरी बात, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है. क्या निकालना है? एक तो आपके पास करंट सोर्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब IN निकालना है, और एक आपके पास क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो ये हो गया RN. सब लोग सुनना, करोगे तुम लोग, मैं नहीं करूंगा इसको सॉल्व. अभी के अभी आंसर चाहिए मुझे, और मैं किसे व्हाट्सएप मांग सकता हूँ, किसी से भी मांग सकता हूँ. मुझे RN निकालना है. मैंने आपको एक ही चीज बोली, नॉर्टन और थेविनियन सेम टू सेम थ्योरम है. इसको मैंने अगर उसमें ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तुमको समझ पा रहा होगा, इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा तो मेरे पास ये प्लस माइनस और ये रेजिस्टेंस हो गया, ये थेविनियन बन गया. दैट इज सिंपल वन. सो मेरे को कुल मिला के वहीं तक पहुँचना है. अब मुझे आर एन निकालना है. कल मैंने आपको थेविनियन में लास्ट टर्म में मैंने आपको बताया था, इन विच दैट टू इफ टू केसेस आते हैं. अगर दो केस होते हैं, दो केस कौन से होते हैं, एक में तो अगर इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो क्या करते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनको सारे को क्या कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं. इट मीन वी कैन टर्न ऑफ. ओके, टर्न ऑफ तो हम कर देते हैं. अब टर्न ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद हम RTH कैलकुलेट कर लेते हैं. बट सेकंड केस कौन सा था, इफ क्वेश्चन इज कंसिस्टिंग एनी इंडिपेंडेंट सोर्स, सॉरी डिपेंडेंट सोर्स. तो डिपेंडेंट सोर्स होता था तो क्या करते थे रौनक, डिपेंडेंट सोर्स होता था क्या करते थे, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, वैसा वैसे ही रहता. अच्छा ठीक है, बिल्कुल एक एक बात तुमने सही बोली. लेकिन आप सॉल्व कैसे करेंगे फिर RTH को? जो वोल्टेज सोर्स है उसे टर्न ऑफ कर देंगे और बाकी दोनों पैरेलल आ जाएंगे, तो पैरेलल से निकालेंगे रेजिस्टेंस. गलती कर रहे हो सर. जनाब सर वन का या वन एम्पीयर का सोर्स जो है कनेक्ट करेंगे जो एंड पॉइंट से उससे. बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने. रौनक भूल गए ना? यस सर. ऐसे बोलोगे तो गलती होगी. आरएन निकालना है, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उनको क्या कर दोगे, टर्न ऑफ, और
डिपेंडेंट सोर्स को क्या करेंगे, कोई अपन छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसा का जैसा है वैसे का वैसे रहेगा। डिपेंडेंट सोर्स को क्या करेंगे, अनचेंज रहेगा। और एक और हम काम करते थे, वो करते थे एक्साइट करते थे, उसको बोलते हैं हम एक्साइट करना, एक्साइटेड करते थे विद 1 वोल्ट का सोर्स ले लो या फिर 1 एम्पीयर का करंट सोर्स ले लो। तो मैं सर्किट को वापस बना रहा हूँ एक बार, आगे तुम लोग करोगे इसको सॉल्व। मैंने आपको सिखाया था, देखो एक एक क्वेश्चन को मैं 10 बार प्रैक्टिस यहाँ तो नहीं करवा सकता क्योंकि तुम्हारा भी नेट नहीं होता, तुम्हारी भी क्लासेस खूब सारी होती है, अदरवाइज में तुम्हारी एक एक क्लास में कम से कम 2-2 घंटे की लेना चाहता हूँ, लेकिन इतना नहीं हो पाता। तो देखो एक वोल्टेज सोर्स था, उसको तो क्या कर दिया हमने, शॉर्ट सर्किट कर दिया। और यहाँ पर हम एक नया वोल्टेज सोर्स लगा देंगे, ये लगा दिया, वो कितने वोल्ट का हो गया, इसकी जो वोल्टेज वोल्ट है वी नॉट है वो है 1 वोल्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके पास आई नॉट आपका करंट हो जाएगा। तो अब कुल मिला के मेरे पास क्या होगा, जो RTH निकालते थे वही RN होगा, वो क्या हो जाएगा मेरे पास I equals to V by I, V कितना है आपके पास 1 और I नॉट क्या है आपके पास ये। तो कुल मिला के आपको RTH कब निकलेगा, जब आप इस सर्किट से when we will find out I नॉट, इस सर्किट से I नॉट निकालना है। अब तुम्हारे को तुम्हारा बेसिक चीजें लगानी है, मैं 1 मिनट में यहीं आ रहा हूँ, लगाना है तुम लोगों से शायद ही हो पाएगा, ये तो मैं बोल के जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग लग रहा है, शायद ही हो पाएगा, लेकिन अगर जिसने करा तो बहुत अच्छी बात है कि वो कुछ सीख रहा है। स्टार्ट सॉल्व करो इसको, हेलो सर फ्री नहीं से क्लास चल रही भी ये देखो, आप ये देखो इसको ऐसे समझो, ये भी कितना था 0.15924, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 5 है, नीचे गया ना 1, 2, 3, 4, 5, अब ये 5 है। तो ये देखो यहाँ पे लग रखा है, अब आप क्या करना चाहते हो, एक और बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। अगर यहाँ कम करोगे तो ये इधर आ जाएगा,
या कुछ हुआ सॉल्व? सर आरएन तो 0.5 ओम कितना आ रहा है? आरएन तो 0.5 5 आ रहा है, 5 0.5 नहीं 5 आ रहा है. देखो हाँ, तो 5 आ रहा है. 5 आ रहा है, वेरी गुड. और पहले आई नोट बताओ मुझे, आई नोट कितना आ रहा है? 0.2. वेरी गुड, दैट्स गुड. चलो ठीक है, पहले आधा समझते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि जिसने देख लिया, नोट डाउन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है. इसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं आ रहा था, समझ लो भाई एक कॉन्सेप्ट और समझ लो. जब भी अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आती है ये खाली ब्रांच है, एक वायर है और ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? क्या केस बनेगा यहाँ पे? इसका वोल्टेज जीरो हो जाएगा. इसका वोल्टेज जीरो हो जाएगा, मतलब इसकी कोई मतलब ही नहीं रहेगा इसका. इस रेजिस्टेंस की कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी. इसका रेजिस्टेंस पता कितना पहुंच जाएगा? इन्फिनिटी करीब पहुंच जाता है इसका. तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं. जब भी अगर आपके पास ऐसा केस आ जाए कि एक रेजिस्टेंस और उसके साथ में पैरेलल में आपके पास ऐसा कुछ बिल्कुल लेकर आ जाए, तो इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं होती. ये कॉन्सेप्ट को याद कर लेना, रट लेना, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात. तो अब देखो, करंट से आगे चलने से पहले आपने एक चीज देखो, मैंने जो कहा उस चीज को कि अगर शॉर्ट सर्किट करने के कारण इस 4 ओम के पैरेलल में एक ब्रांच आ गई और वो क्या आ गई, बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके पास, कोई आपके पास कोई ड्रॉपिंग नहीं, कुछ नहीं है, तो इस वाले के रेजिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनिटी पहुंच जाएगा और इसको कोई सेंस नहीं है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो अब कुल मिला के बात ऐसी हो गई, क्या ऊपर वाला सर्किट मेरे पास ऐसे बन रहा है? Yes or no? Yes, sir. इसको नहीं आ रहा तो बता सकते. ऊपर वाला सर्किट मेरे पास ये बचा, तीनों पैरेलल में है. Yes. Yes, sir. Yes, sir. किसी ने कोई दूसरे तरीके से किया हो तो वो भी सही है, इससे किया है तो वो भी सही है. तो ये तो मैं समझा रहा हूँ जिसे कौन से पढ़ना चाहिए. तो आगे देखो, नाउ आई एक्स वॉज हियर. Now, when this branch has been eliminated, it means that this current. Sir, I'm taking class. If you want to join, please log in. Okay. This IX was there, and when this branch has been eliminated, it means that IX kya ho jayegi value? Zero. Agar IX ki value zero, to ye kitna ho gaya? 2IX equals to zero. Samajh rahe ho? Yes or no? Yes, sir. Yes. So, अब ये भी जीरो हो गया, ये भी खत्म हो गया मेरे पास. करंट इसमें कुछ नहीं आएगा. तो मेरे पास आई नोट क्या हो गया? कितना आ जाएगा आई नोट की वैल्यू मेरे पास? जो बच रही है मेरे पास कितनी हो गई? V by R. आई नोट V by R. तो V कितना है? 1 वोल्ट. I और R कितना है मेरे पास? 2. That is 0.5 ampere. This is your I note. Okay, when I note is 0.5, so by this equation I can get, sir, please, you can take. Okay, when I note equals to 0.5, then RN equals to 1 upon 0.5, that is 2. No, कुछ गड़बड़ आ रही है क्या? ये resistance के value लिख दी. सुनो, फिर 2 ही आएगा. एक बात बताओ, अगर आपकी 2 ही आएगा, मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू गलत लिख रखी है, ये 5 था. आप लोग का आंसर कैसे आ रहा है? सही, मेरा तो 2 आ रहा था. 2 आ रहा है आपका? आरएन 2 आ रहा है? यस सर.
और सर्जना तुम्हारा? सर मैंने नीचे की वैल्यू गलत ही ले ली थी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम 2 से ले रहे हैं तो आंसर मेरा कितना आ रहा है, आरएन की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 से 5.5 आ रहा है। ठीक है आरएन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2 ओम। क्लियर? आरएन निकालने का तरीका सिमिलर है, जैसा का जैसा वैसे था। थेविनिन के अंदर कोई चेंज है? नहीं होगा, कोई चेंज नहीं है। आगे चलो, किसी को नोट डाउन करना है तो कर लो, इतने सही तरीके से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रखा मैंने को नोट्स में, कि इसको भी इलिमिनेट करके दिखा दिया, इसको भी इलिमिनेट करके दिखा दिया। चलो ठीक है कोई कर रहा है यार, अब कर दूं सर एक मिनट। हो गया? Yes, sir. आगे अभी मेरा क्वेश्चन 50% कंप्लीट हुआ है, मैंने आरएन निकालना है, मुझे क्या निकालना था? आईएल भी निकालना है, मतलब मुझे नॉर्टन करंट भी निकालना है। सर्किट मेरा ये था, उससे मेरा आरएन तो निकल गया, ये आईएल ये आरएन। ओके जब थेविनिन की बात करते थे तो इसमें वीटीएस निकालने के लिए क्या करता था मैं? नॉर्मली जैसे मैश या नोडल लगा के सॉल्व करते वैसे सॉल्व करते हैं। नॉर्मली मैं क्या करता था, यहाँ प्लस माइनस करके यहाँ सीधे वीटीएस लिख देता था मैं, है ना? यही करता था। अब क्या करूंगा, जब मेरे पास नॉर्टन की बात आती है तो ये वाली जो चीज होती थी ना, ये वाली चीज को मैं बोलता था ओपन, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचता हूँ, उसे बोलता हूँ मैं शॉर्ट सर्किट कर ISC। वीटीएस तो ऐसे निकालता था, लेकिन जब मुझे आईएल निकालना है, यानी मतलब मुझे ISC निकालना, तो उसके अंदर क्या करूंगा मैं, कुछ इस तरीके का सीन करूंगा। तो IL निकालना था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि शॉर्ट सर्किट का करंट मुझे निकालनी है, तो शॉर्ट सर्किट करंट क्या होती थी, यही मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, IL बोलता था। ठीक है, इसी को मैं IL बोलता था, और वहां पे मैं अगर VTH बोलता था तो मैं उसको VOC बोलता था। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हो जाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आगे चलो इसको, मैं आगे चल रहा हूँ। yes, तो VTS निकालने के लिए तो बिल्कुल सिंपल सा था, मैश टेस्ट लगा देते। अब यहाँ पे देखो वापस चीजें आ गई, ये ओपन है, मतलब ओपन था, तो इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, उसको ISC करंट बोल दिया, मतलब लोड के बीच में हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज योर शॉर्ट सर्किट थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको, और थेविनिन को थोड़ी सी क्या बोलते हैं हम, ओपन सर्किट थ्योरम भी बोलते हैं इसको। तो अब अगर यहाँ से मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से आपके पास देखने में बहुत चीजें सिमिलर हो रही है, सारी चीजें पैरेलल है क्या आपको, दिख रहा है आपको? देखो सारी चीजें पैरेलल दिख रही है। यस सर पैरेलल है, सब कुछ पैरेलल है, मेरे को चारों के चारों चीजें पैरेलल है। अगर किसी को नहीं दिख रहा तो देख लो, देखो ये 10 का आ गया, ये 4 ओम आ गया, और देखो इन दोनों को मैं घुमा के नीचे कर देता हूँ तो ये रेजिस्टेंस आ गया और ये डिपेंडेंट सोर्स आ गया। क्योंकि सर ये कहाँ गई, अरे ये रही, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ये रही, ये इतनी सी है मेरे पास 2IX, और ये हो गया 2 ओम। क्लियर? IX है मेरे पास यहाँ पे, समझ रहे हो? क्लियर है? यस नो? ठीक है, तुम्हें करनी पड़ेगी ना। यस सर। चलो अब एक और चीज देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। देखो इन्हीं चीजों को कंसीडर करना होता है हमारे को, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनको चेंज नहीं कर सकते आप। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ए और बी के बीच में हमारे पास जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है ISC। अब जब यहाँ पे फंस जाओगे ना, यहाँ पे आने के बाद आपको दिमाग ही काम नहीं करेगा, आप क्या करूँ, निकालना है ISC टोटल, आपको घुमा फिरा के ISC निकालना है। सर ISC निकालना है मतलब करंट निकालना है, तो करंट निकालना है तो सर यहाँ से मुझे कुछ कुछ दिख रहा है, ये कितनी वोल्टेज है? देखो मेरी आई से देखोगे ना तो तुम KCL वेसल सब बाद में छोड़ो, KCL वेसल बाद में लगाना छोड़ा करो, अभी तुम लोग सिर्फ इतना से देखो
सर यहाँ से यहाँ तक अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 वोल्ट होगा इस वाले ब्रांच में, एग्री? यहाँ से तक 10 वोल्ट है तो इस ब्रांच से यहाँ से यहाँ तक 10 वोल्ट ही होगा, मानते हो ना? पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होती है, तो यहाँ से तक की वोल्टेज क्या हो गई? B cos to IR, 4 into IX cos to 10. IX cos to कितना हो गया? 10 by 4, 2.5 ampere. एक करंट तो निकल गई मेरे पास, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक चीज? तो मेरे पास ये तो पता चल गई 2IX. अब IASC यहाँ पे है, यहाँ पे ही आ रहा है, तो ऊपर से मेरे पास ऐसे करंट आएगी, क्योंकि देखो ये ऊपर चल रहा है तो ऐसे आएगी मेरे पास, इस तरीके से आएगी 2 ओम से. तो अब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे क्या करंट होगी? अब इस वाली करंट को क्या बोल सकते हो आप? कितनी बोल सकते हो इस वाली करंट को? इस वाली करंट को कितना बोल सकते हो? नहीं पता. इस वाली करंट को कितना बोल सकते हैं? अब मैं क्या तुमसे पूछने वाला बनता हूँ, अब मेरे को पूछने का हक है. कितनी? फाइव. बिल्कुल सही जा रहा, बिल्कुल सही जवाब. फाइव क्यों आया वो बताता हूँ मैं तुम्हारे को. मैं क्या कर रहा हूँ, केसीएल लगा रहा हूँ. किस पॉइंट पे? एट ए पॉइंट. मैं ए पॉइंट पे केसीएल लगा रहा हूँ. केसीएल एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पे लगा रहा हूँ. तो आउटगोइंग और इनकमिंग, तो आउटगोइंग है आईएससी, इनकमिंग है एक तो 2IX, और मैंने मान लिया इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I3 प्लस I3. अब यार यहाँ से देख लो ना तुम, ISC तो निकल जाएगा 2IX, तो ऐसे कैसे आ गया? IX की वैल्यू 2.5. I3 क्या है? यहाँ से आता कि वोल्टेज ड्रॉप. वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या हो गया? करंट V इक्वल टू I इक्वल टू V बाई R. वोल्टेज कितनी है? ये 10 है तो ये भी 10 होगा क्योंकि पैरेलल है. और रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास? 2. सॉल्व कर लो, ये आ गया मेरे पास 5 5, 10 एम्पियर का शॉर्ट सर्किट करंट. क्लियर है क्या? Yes, sir. क्या करा मैंने इस वाले क्वेश्चन में? कुछ लगाया मैंने? कोई ज्यादा कोई हैवी वाला केसीएल लगाया मैंने? कोई केवीएल लगाया? कोई नोडल लगाया? कुछ नहीं लगाया, बस एक कॉन्सेप्ट लगाया कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो इसकी वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज ड्रॉप इसकी. बताओ कुछ गड़बड़ है क्या? Yes or no? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है, मना ही नहीं है. या आगे चलूं? अरे कोई कुछ बता रहे नहीं, कुछ तो बोल रहा है. तो कुछ करंट जा भी तो रही है पॉइंट से. किस पॉइंट से? कहां पर? अच्छा वो तो आईएससी है. हां सर. टेल मी, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही तो बताओ. आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे? 12 o'clock. 11 या 12? 12. 12, ठीक है. फिर मैं एक कॉन्सेप्ट और कंप्लीट करा रहा हूँ. नहीं सर, 11 से. मैक्सिमम पावर 11 से. स्मार्ट मत बनो, अगर कोई 11 कोई 12 बोल रहा है तो मैं भी चेक कर लेता हूँ ना. बायस देर तो लंच होता है. एक एक अभी पता चल जाएगा. पर सर आप लेना चाहो तो ले लो, हमें नेक्स्ट ले पसंद नहीं है मैसेज. वो जो भी है, अभी पहले मैं एक बार क्लास को देख लूँ तुम्हारी, एक बार क्लास में को अंदाजा लग जाए. क्लास के 11 बजे किसकी है तुम्हारी? सर उसमें भी प्रेजेंटेशन देनी होती है, उसमें भी सब बच्चों को नहीं देनी होती, तो सेंसलेस है वो क्लास. और वैसे भी मैम जो पढ़ाते हैं उसको समझ नहीं आता. उसमें वो जो भी है, मैं एक थ्योरम और करवा रहा हूँ कंप्लीट. इतनी बड़ी नहीं है वो.
इतनी बड़ी नहीं है, मैं एक थ्योरम और कंप्लीट करा रहा हूँ, अब सुनो मेरी बात। ये नॉर्टन मैक्सिमम, हाँ या मैं आज एक पीडीएफ सेंड करूंगा इसलिए मेरे को आज करवाना ही जरूरी। देखो मैं असाइनमेंट नहीं मांग रहा हूँ तुमसे, क्योंकि मेरे को भी पता है कि इतना सारा असाइनमेंट नहीं मांगा जाता है, लेकिन मैं तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उस क्वेश्चन को कम्प्लीट करो, हर एक क्वेश्चन को अपने नोटबुक पर नोट डाउन करो, नहीं आता उसको स्पेस छोड़ दो आज, नहीं तो कल कभी तो मुझसे मिलोगे, कभी तो पूछोगे तुम उससे, तो वहां बैठ के फिर हम सॉल्व करेंगे उसे। ओके, एक फोर्थ नंबर के थ्योरम है जो आपके सिलेबस में, उसके बाद कम से कम दो या तीन थ्योरम और होगी जो मैं थोड़ा सिलेबस के बियॉन्ड जाके करवाऊंगा, वो बहुत जरूरी है। अब अगर मैं एक चीज बात करता हूं, सुनना मेरी बात, कि लोड के पास मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, लोड के पास मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, जैसे मेरा थेविनाइन सर्किट है, ये थेविनाइन सर्किट था और ये था मेरे पास लोड रेजिस्टेंस और ये था आरटीएच, ये था वीटीएच। मेरे पास इस लोड के पास अक्रॉस मैक्सिमम पावर तब होगी जब जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मेरे पास आरटीएच के इक्वल होगी, तो मेरे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। When I would have a load resistance value just equal to the Thevenin equivalent resistance value, then I would have a maximum power to that particular load circuit. जो मैंने बोला सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट और इतनी सी थ्योरम है, पुरानी से ही रिलेट कर रही है, कुछ नया कुछ भी नहीं आ रहा इसमें। तो अब क्या होगा सर, इसका तो थोड़ा प्रूफ भी मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं। इसके प्रूफ के लिए क्या करना होगा, इसके लिए प्रूफ के लिए कुछ नहीं करना होगा मुझे, मुझे इस आई की, अगर मुझे इस आई की बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ पे इस जो लोड है उसकी अगर मुझे पावर की बात करता हूँ, पावर क्या होता है, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर डॉट आर, यही होता है, ठीक है, क्योंकि करंट तो ये आई जाएगा यहाँ पे, अगर आई आ गया तो आई की अगर मैं वैल्यू करता हूँ, आई क्या होता है वी बाई आर, तो वी कितना हो गया वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर डॉट आर एल। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है? No, sir. इसको थोड़ा सा समझेंगे और हमको इसका प्रूफ चाहिए। जब अगर आपके पास मान लो मैक्सिमम पावर का प्रूफ की बात कर लेते हैं तो हमको ये थोड़ी सी डेरिवेशन आनी चाहिए। मैंने पावर निकाल लिया, अब इसको कुछ नहीं करना, मुझे डिफरेंशिएट करना है विद डिफरेंशिएट पावर विद रेस्पेक्ट टू आर एल। अगर जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे क्या डिफरेंशिएट करेंगे वो तुमको पता है, आरएल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले से होगा और स्क्वायर ओवर है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, मैथमेटिक्स है, मैं थोड़ा डायरेक्ट इसको आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग भी डायरेक्ट आंसर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर ये लिख देते हो तो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेप्स हो जाएंगे और वो मुझे अभी करने की इच्छा नहीं है। मेरे पास फाइनल आंसर ये आता है अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो मेरे पास फाइनल आंसर ये आता है अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो, और डिफरेंशिएट करता हूं तो बाय यूजिंग दिस न्यूमरेटर मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी वो आएगी आरटीएच माइनस आरटीएच प्लस आरएल माइनस टू आरएल इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से मेरे पास आरटीएच इक्वल्स टू आरएल, यही मुझे प्रूफ करना था। इसका मतलब ये होता है, देखो इतने से डेरिवेशन है और एक खत्म थ्योरम का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना वो खत्म हो गया। खत्म ये है कि ये एक्सप्रेशन ये शो करता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टेक प्लेस व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज जस्ट इक्वल टू द थेविनाइन रेजिस्टेंस। सो मैक्सिमम पावर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, आ गया मेरे पास या पावर की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ से अगर मैं सॉल्व भी करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या जाएगा, कुछ बता सकते हैं? कुल मिला के मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा पावर मैक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन फोर आर टी एच,
that's it. V square upon 4 dot RTH. ये आएगा मेरे पास कुल मिला के. कैसे आएगा ये तो पता है ना. ये इक्वेशन नंबर 1 बोल 2 बोल दो, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो. अगर 2 को 1 में एंटर करोगे 2 इंटू 1 तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी. हमारे पास आंसर यही है. मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा तो उसमें आपके पास चार टाइप की थ्योरम है. चार टाइप के थ्योरम के अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स हैं. मैं आज ही शेयर करूंगा आपको. सुपरपोजिशन में खूब सारे क्वेश्चन आएंगे, नॉर्टन में खूब सारे क्वेश्चन आएंगे, थेवेनिन में खूब सारे क्वेश्चन आएंगे. और ये पी मैक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी एच डॉट अपॉन वो डॉट आर टी एच. ये आपके पास ये निकालना हमारे को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर. कोई लिखना चाहता है तो लिख लो क्योंकि ये मैंने पूरा पूरा सॉल्व नहीं किया है, ये फाइनल चीज है. तो लिख रहे हो कोई? Someone is writing down. Or should I rub? लिया. चलो ठीक. मेन चीज यही है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर. ये बस ये याद रखना. आपको मैं रटवा भी दूंगा चीजें. एक बार थ्योरम खत्म हो जाने दो फिर मैं डायरेक्ट समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है. इसका एक क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि सॉल्व हमें वही करना है जो हमने सीखा है. कोई इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है. इस वाले क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत इजीनेस होगी. वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है. तो उस कॉन्सेप्ट को याद रखना, थोड़ा सा फोकस करना जब मैं कहूँ तो. सिक्स ट्वेल्व थ्री टू टू एंड अदर सेट. इसमें सिंपल सा क्वेश्चन ने कह रखा है मैक्सिमम पावर निकालना अक्रॉस लोड. मैक्सिमम पावर अक्रॉस लोड ठीक है, कोई बात नहीं. मैक्सिमम पावर अक्रॉस लोड निकालना है. फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पावर से पी मैक्स निकालना है तो पी मैक्स का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर टी एच अपॉन फोर डॉट आर टी एच. ये निकालना है. तो कुल मिला क्या निकालना है आपको? दो ही चीजें निकालनी है वापस. इन फर्स्ट केस यू विल गोइंग टू कैलकुलेट, यू विल कैलकुलेट आर टी एच और सेकेंड हो जाएगा आपके पास टी एच. अब आप कोई सी भी थ्योरम लगाओ, कुछ नहीं कहता ये. आपकी जो इच्छा हो ना वो लगा दो आप. अब अगर सुपरपोजिशन लगाते हो तो एक सोर्स को रोकना पड़ेगा, फिर दूसरे सोर्स को लगाओ, फिर एक सोर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर बाकी को डिफ्यूज करो. तो सबसे बेस्ट है ना आरटीएच निकालने के लिए क्या करेंगे, थेविनेन से निकाल लो. आरटीएच बाय थेविनेन. क्या होता है आरटीएच बाय थेविनेन? सर सारे इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. तो केस फर्स्ट हो रहा है, केस फर्स्ट हो रहा है तो वोल्टेज सोर्स जो होता है उसको तो हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे और जो करंट सोर्स होता है उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे. तो नया वापस अगर मैं सर्किट बनाता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा. लोड को कैलकुलेट करेंगे सर? लोड को तो फ्री रखना है हमारे को, लोड को कुछ नहीं करना. लोड को कुछ नहीं करना है हमारे को, लोड के अक्रॉस निकालना होता है. इसको बोलते हैं हम लोड के अक्रॉस. तो लोड को तो हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन इसको रख लो या नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है. ये हमारे पास 2 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, ये हमारे पास 12 हो गया, ये हमारे पास 6 हो गया. कितना आ गया अगर मैं बात करूँ तो? कितना जाएगा आरटीएच? आरटीएच आ जाएगा 9 ओम. तुम इसको बैठा दो एक बार, तो इसको बैठा दो 9 ओम ही आएगा आंसर. तो कैसे आ रहा है अगर किसको नहीं पता तो? यार देखो अब बहुत मुश्किल है हेल्प करना मेरे को. या अब आएगा असली चीज कि अब तुम क्या करते हो. अब निकालना है VTH.
बीटीएस निकालना है, सिंपल सा वहां पे लगा दो। बीटीएस निकालना है तो इसके अक्रॉस ही तो बीटीएस निकालना है, तो ये बीटीएस लिख दिया, ये प्लस माइनस हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये सिक्स हो गया, ये प्लस माइनस 12 वोल्ट हो गया, दिस इज योर 12 वोल्ट, सॉरी 12 ओम एंड दिस इज योर 2 एम्पीयर। ठीक है, देख तो रहे ना, विजिबल है ना ब्लू मार्कर? या विजिबल तो है दोनों। अब बताओ बीटीएस निकालना क्या करेंगे? आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट बीटीएच, व्हाट शुड आई डू? मैश और नोड? मैश नोडल क्यों नहीं लगा सकते? मैश लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? तो यहाँ पे करंट सोर्स है इसलिए, और वहाँ पे रेजिस्टेंस है बीच में, अगर वो 2 ओम का रेजिस्टेंस नहीं होता तो नोडल लगा लेते, डायरेक्ट आ जाता जितना 2 एम्पीयर का वोल्टेज होता उतना ही उसका होता। बिल्कुल सही बोले, एकदम सही बोले आप। तो अब यहाँ से मैं केवीएल लगाता हूँ, लूप लगा रहा हूँ, मतलब दो लूप बनेंगे, एक लूप ये बन गया और एक ये लूप। ये लूप नहीं है, ये लूप नहीं है, लेकिन इसको यूज करेंगे अभी हम। ये 1 ये 2, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लिया। तो लूप सेकंड से आपके पास कुछ निकल रहा है? लूप सेकंड से कुछ निकल के आ रहा है बाहर? I2 equal to 2. I2 equals to 2 नहीं, minus 2. डायरेक्शन देखो, I2 equals to minus का 2 एम्पियर। पर लूप वन से हम केवीएल निकाल सकते हैं, केवीएल लगाते हैं लूप वन में, माइनस का 12 प्लस 6 का I1 प्लस 12 का I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास I1 निकल सकता है, I1 कितना निकल जाएगा मेरे पास? I1 आ गया माइनस 2/3। अब क्या करेंगे, निकालना क्या था हमारे को? VTH। क्या I1 और I2 से VTH निकल जाएगा यार? I1 I2 से VTH कैसे निकल पाएगा बता सकते हो कोई? क्या करना चाहिए मुझे? अब यहाँ पे आएगा आपका कॉन्सेप्ट, मुझे आप सॉल्व करके दिखा दो कोई भी। अब बहुत सी ये पढ़ लेना तुम लोगों ने, यहाँ सॉल्व करके दिखा दो मुझे बीटीएच कैसे निकलेगा। 10:54, एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचो और मुझे बताओ। जो कोशिश कर रहे हैं समझने की वो समझो और मुझे बताओ, बीटीएच कैलकुलेट करके बताओ। उसको एक चीज समझा दूं, अगर कोई सोच रहा है इसके अक्रॉस अगर मैं ना करंट निकाल लूं तो वो बीटीएच हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि सर्किट लूप पूरा नहीं है, लूप पूरा नहीं है मेरे पास, तो इससे नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। और कोई? सब ठंडे पड़ गए? कोई बात नहीं, बस मैं खत्म कर रहा हूँ क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, बोल देना कि मैम कौन, मैम है कौन है, सर है, कौन से डिपार्टमेंट पे है, कौन सी मैम? सुमन शर्मा मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, 5 मिनट में लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ जल्दी क्या कर सकते हो इसमें, जितना मैंने सिखाया ना उसके अकॉर्डिंग तुम कुछ नहीं कर सकते इसमें अभी। आप सर्जना, रोना, श्रेया, स्नेहा, सर I1 निकल गई तो I1 से, सर I1 निकल गई तो फर्स्ट लूप के अंदर जो वोल्टेज अक्रॉस आएगा रेजिस्टेंस के वही आ जाएगा। सर केवीएल लगा दो थर्ड वाले में लूप में, केवीएल लगा दो थर्ड वाले में। तो मिस कौन ने बोला, नाम बताइए? सर्जना। सर्जना, इसकी वोल्ट रेजिस्टेंस पता है क्या मुझे, इंटरनल रेजिस्टेंस? नो सर। तो फिर क्या करेंगे, फिर लगा के इस 2 एम्पीयर को छोड़ देंगे? गलत। अब समझना, जब भी ऐसी क्वेश्चन में फंस जाओ ना कभी तुम, जब भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि जब यहाँ पे आपके पास करंट सोर्स आ जाए और यहाँ पे आप लूप लगा रहे हो और यहाँ पे आपको वोल्टेज VTH निकालनी है या कुछ भी निकालनी है, आपके पास फंस जाओ, यहाँ पे केवीएल लगा सकते, कुछ भी नहीं हो रहा, तो देखना आप सुनना, ये आपके पास राइट है और ये कोई रूल नहीं होता, लेकिन आपको समझने की चीज होती है। आप एक लूप ले सकते हो, वो कौन सा लूप होगा? ये ला, इसमें आप केवीएल लगा सकते हो इसको इग्नोर करके,
इस वाली चीज को इग्नोर कर दो। ऐसे बिल्कुल ऐसे कि आप कैसे लगाना चाहते हो, इसमें ऐसे लगा दो, ऐसे इस डायरेक्शन वाला, इस डायरेक्शन वाला लेते हो तो 12 का हो गया आपके पास। कैसे लेंगे आप इसमें, कुछ आइडिया लगा सकते हो? 12 के साथ हमारे पास क्या फ्लो रहा था? I2। 3 में क्या फ्लो रहा था? I2। और क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ बचा? 2 में क्या आ रहा था हमारे पास, 2 में बता सकते हैं? 2 में तो कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा ना हमारे पास, तो 0 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का VTH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। बताओ गलत है क्या मेरा कुछ, मैंने क्या किया? उसको हटाएंगे क्यों, करंट तो निकल ही उसी में से रही है। देखो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये सिर्फ हमारी अजम्पशंस होता है, हमको लेके चलना पड़ता है। अब तुम ये मुझसे पूछ सकते हो, सर फिर ये ही क्यों ले रहे हो आप, ये बड़ा वाला लूप भी तो ले सकते हो ना। यस आई कैन टेक दिस, मैं इस बड़े वाले लूप को भी ले सकता हूँ जिससे मैं इन दोनों को इग्नोर कर सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन हमारी समझ होती है कि इसकी तो इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसको हम ले नहीं सकते केवीएल में, और या तो हम इसको ले सकते हैं या इस पूरे बड़े वाले को ले सकते हैं। तो इस पूरे बड़े वाले को लेता हूँ तो भी मेरा आंसर बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा, यहाँ से बैठता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 12 का वोल्ट प्लस, इसमें क्या था, I1 करंट फ्लो रहा था, 6 का I1 प्लस 3 का I2 प्लस 2 में तो 0 करंट था, और प्लस का VTH क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इक्वल टू 0। आप लोग सॉल्व करके देखना VTH का आंसर आ रहा होगा लगभग, इससे भी VTH निकाल लेना, इससे भी VTH निकाल लेना, दोनों इक्वेशन से आपके लिए है, इससे VTH निकालना, इसका आंसर आ रहा है 22 वोल्ट। 22 वोल्ट इज योर आंसर। और फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, पी मैक्स मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर TH अपॉन 4.RTH। वी स्क्वायर मतलब 22 का होल स्क्वायर अपॉन 4.RTH। RTH कितना निकला था हमारा, 9। सॉल्व करोगे आंसर हमारे पास 13.44 वोल्ट। समझ गए? यस और नो? सर फर्स्ट वाले इक्वेशन में -12 I1 भी आना चाहिए ना, 12 I1 माइनस, गलती कर दी, ये 12 I2 -I1 हो गया। यस सॉरी। अब ठीक है, आप लोग करके देख लो आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लेना, फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना, वापस यूट्यूब पे देख लेना, जो भी करना चाहो तुम कर लेना। ये कॉन्सेप्ट बुक में नहीं समझा रखा लेकिन हमारी समझ होती है कि हमें ऐसे करना होता है। क्लियर है? यस नो सर? बोलो किसी डाउट? सर हमने इसमें मैश लगाया, मैश के जगह हम नोडल भी तो लगा सकते थे सर। बिल्कुल लगा सकते हो ना, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोडल लगाने के लिए आपको बहुत सारे अननोन करंट लेनी पड़ेगी सर, और जितने अननोन करंट जो 2 एम्पियर है वो इधर ही जा रहा है पूरा पूरा फ्री में। थोड़ा दिमाग को और लगाओ, दौड़ाओ, थोड़ा बिल्कुल सही बैठेगा सब चीजें। क्लियर है? किसी को और डाउट है तो पूछो अभी इस क्वेश्चन में, यहाँ क्या ही पूछ रहे हो, क्योंकि हर रोज हम नया क्वेश्चन करते हैं हर रोज। आपके हिसाब से फर्स्ट यूनिट के अंदर जो सिलेबस दे रखा है उसके अंदर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रहता है, वो होता है ड्यूअलिटी प्रॉब्लम, तो वो तो मेरे लिए 5 मिनट का है, अदरवाइज आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आर यू गेटिंग? योर फर्स्ट यूनिट हैज बीन कंप्लीटेड, 0 क्लास हैज बीन कंप्लीटेड। लेकिन मैं अभी एक क्लास और लूंगा इसके अंदर, जिसके अंदर मैं आपके पास थोड़ी थ्योरम्स और हैं, वो छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, वो बड़ी बड़ी थ्योरम नहीं है, जिनका छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे ऑब्जेक्टिव वे में। क्लियर? आज मैं आपको एक PDF शेयर कर रहा हूँ, उसमें करीबन 100+ क्वेश्चन है, 100+ क्वेश्चन है इन 4 थ्योरम के, सुपरपोजिशन, थेविनाइन, नॉर्टन और मैक्सिमम के। सर यस सर, आपने मतलब ये करंट सोर्स बता दिया और रेजिस्टेंस बता दिया, हां हां, तीसरे वाले लूप में जो आपने लगा दिया तो सर ऐसे तो फिर 12 वोल्ट ही हो गया उसके क्रॉस पर पैरेलल में है, तो कहां पर हो गया 12 वोल्ट पैरेलल में? 12 वोल्ट है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसे पैरेलल थोड़ी ना होता है सीरीज में। अरे यार कैसे गलती करते हो, अरे कैसे गलती कर रहे हो तुम, कैसे हो जाएगा? टोटल की बात कर रहे हो?
टोटल को देखो, फिर हमने अजम्पशन माना है ना, इसको अजम्पशन मान के चला है, अजम्पशन माना है, तो अजम्पशन में हम इसको बिल्कुल नहीं बोल सकते, हम केवीएल यूज कर रहे हैं, अजम्पशन मान के चल रहे हैं। मैंने आपको फिर कहा कि ये कोई रूल तो नहीं सर, एग्जामिनर को समझाने के लिए अजम्पशन ही लिखना पड़ेगा वहां। कुछ नहीं करना, आपको जो मैंने बताया ना वही करो, एग्जामिनर इंटेलिजेंट होता है, वो पढ़ा लिखा होता है, उसको पता है, अगर जिसको नहीं पता फिर कुछ नहीं कर सकते उसका, जिसको नहीं पता ना पावर वाले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, पावर वाले फॉर्मूला ये वाला, हां सर ये वाला डायरेक्ट लगाओ, ये आपको वो सॉल्व नहीं करनी, डेरिवेशन नहीं करनी आपको, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना, मैक्सिमम पावर निकालनी आपको, ये निकालना है बस। और कुछ इसके अलावा डाउट इस क्वेश्चंस में, मैक्सिमम और नोटल में? और आप लोग की जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, उसमें छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना कि सर इसमें मेरे को डाउट लग रहा है, तो वो आप उसे कभी पूछ लिया करो, इसके लिए यहाँ पे कोई वेट करने की जरूरत नहीं है तुमको, कभी पूछ लिया करो, बस हाँ थोड़ा टाइम लिमिट देख लिया करो यार, 10-11 बजे से पहले ही पूछ लिया करो, नहीं रात को 12:30 बजे मैसेज कर रहे हो, मुझे पता है तुम लोग तो घर में रहते हो अभी, तुम लोग को तो सोना उठना पीना सब अलग ही तरीके से चल रहा होगा अभी, कौन सा क्लियर है सर? और कौन बोला? यस बोलो सर, जो आपने क्वेश्चंस दिए थे नोडल एंड मैश के, इसके आंसर की साइड कर दो, इसके आंसर की है ही नहीं बुक में, भी आंसर की नहीं है, अब इसका क्या करना होगा सर? हमने पहले बोला था कि मैं हमने क्या करा और क्या नहीं, मतलब समझा नहीं मैं, ये भी नहीं पता चलता सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, yes. बताता हूं ना, उसका मैं बताता हूं, ये समस्या तो है सर, वो मेरे को पता है, समस्या मुझे भी है, मेरे को भी पता रहता है, मैं आपको यहाँ पे आंसर निकालने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझने के लिए कह रहा हूँ, तुम 10 बार प्रैक्टिस करोगे ना तुमको खुद गलती दिखेगी, मैंने तुम्हारे को असाइनमेंट थोड़ा मांगा इसका, पता तो चलेगा सही करा है, हम वापस सॉल्व ही नहीं करेंगे, वही छोड़ देंगे इसका। इसका एक ऑप्शन ये होता है, आप लोग जैसे सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप लोग शेयर कर लो कि इसका आंसर मेरा ये आ रहा है, इसका आंसर मेरा ये आ रहा है, तो वही सॉल्यूशन है, अदरवाइज मेरे को आपके साथ यहाँ बैठ कर सॉल्व करने पड़ेंगे 50-100 क्वेश्चन जितने भी होंगे, और आपको लगता नहीं है फिर अब 50-100 क्वेश्चन, क्योंकि बुक में भी उसका आंसर की दे ही नहीं रखी, जो पीडीएफ है उसमें भी आंसर की दे नहीं रखी है, तो प्रॉब्लम है, ठीक है, बिग प्रॉब्लम, अब जुगाड़ करो आंसर की का। चलो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसके आंसर की, अगर मुझे मिल जाती है तो आई विल ट्राई, और आज मैं एक और पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग के पास बहुत सारा काम है, आप लोग अपने हिसाब से अपने स्किल बनाते रहो, छोड़ दोगे जीरो हो जाओगे वापस, और अभी आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग जाइए ज्वाइन करिए, बोल रहे हो सर्जना बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं आई मेरे पास, हाँ आप वापस बोलो, आपकी आवाज आज नहीं रही, Your voice is not audible. थोड़ी सी अटक रही आवाज. Text type. Yeah.